गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले से 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आज हम लोग 4th चैप्टर एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। पहले तो जाने कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में और ज़्यादा बताते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम बोलो कि ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय तो नाउन है लेकिन वो स्मार्ट है। स्मार्ट वर्ड जो हो गया वो हो गया एडजेक्टिव, है ना। जैसे बोलोगे दिस इज़ द येलो पेंसिल, पेंसिल तो तुम्हारी नाउन हो गई और येलो कलर जो बता रहा है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया। तो वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। जो वर्ड्स किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करें तो उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या नाउन बोलते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे उसकी शेप के बारे में बताएंगे, साइज़ के बारे में बताएंगे, मतलब शेप के बारे में, मतलब कि वो गोल है, रेक्टेंगल में है, ये सब बताएंगे। साइज़ बड़ा है छोटा है, कलर बताएंगे, एज बताएंगे, वो बूढ़ा है जवान है ना, ये सब बताएंगे। और नंबर्स के बारे में, कितने नंबर हैं उसमें, मतलब एक है दो है, मीठा है टेस्ट के बारे में, मीठा है कड़वा है कैसा है, ये सब थिंग उसमें बताएंगे। जैसे राउंड टेबल, तो राउंड ये टेबल जो है वो नाउन है। राउंड राउंड मतलब वो गोल है, तो दिस इज़ द एडजेक्टिव। बिग रूम, दिस इज़ द एडजेक्टिव, रूम के बारे में बता रहा है ना। तो ये एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में और ज़्यादा बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो चलो आप लोग अपनी कॉपी, जो इंग्लिश ग्रामर की इंग्लिश सेकेंड की कॉपी जो है वो ओपन करो और उसमें हम लोग लिखेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ऊपर लेसन 4 डालेंगे, एडजेक्टिव्स लिखेंगे और जिस डेट में काम कर रहे हैं बेटा वो डेट यहाँ मेंशन जरूर करेंगे, ओके। फिर एडजेक्टिव्स हेडिंग डाल देंगे, है ना, यहाँ पर उसको अंडरलाइन कर देंगे, लिखेंगे वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। Words, words words that tell us more about nouns are called describing words or adjectives. Words that tell us more about nouns are called describing words or adjective. For example, round table, देखो round को मैंने underline किया है। बिग रूम, देखो बिग को मैंने अंडरलाइन किया है। येलो शर्ट, येलो को मैंने अंडरलाइन किया है, ETC मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। हियर द वर्ड्स राउंड बिग एंड येलो आर द एडजेक्टिव्स। ये जो राउंड बिग और येलो वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। अब देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, अगर नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, लिख लेंगे और फिर वीडियो ऑन कर लेंगे, ठीक है ना, लिख लो, ओके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये एक्सरसाइज है, इसमें सर्किल द एडजेक्टिव अंडरलाइन द नाउन, जो सर एडजेक्टिव हैं उनको सर्किल करना है और जो नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, ठीक। तो देखो इट इज़ अ सनी डे, डे तो तुम्हारा नाउन हो गया और सनी है इस वजह से वो ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया। द सूप इज़ कोल्ड, सूप क्या है, ठंडा है, तो कोल्ड जो है ये वर्ड हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, सूप जो हो गया ये तुम्हारा नाउन। एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, ठीक है, एनिमल जो है वो तुम्हारा नाउन है और बिग क्या है, एडजेक्टिव है। एन एंट इज़ अ टीनी इंसेक्ट, टीनी छोटा, छोटा वर्ड बता रहा है कि छोटा है, तो ये एडजेक्टिव है। द फ्रॉग इज रेड इन कलर, तो रेड फ्रॉग। सीता इज थिन, थिन पतली है, यानी कि ये उसका एडजेक्टिव वर्ड और सीता नाउन है। द बैग इज येलो, येलो एडजेक्टिव वर्ड है और बैग नाउन है। दिस पेंसिल इज अ शॉर्ट, पेंसिल इज द नाउन, शॉर्ट इज अ एडजेक्टिव। प्लांट हैव ग्रीन लीव्स, लीव्स जो हैं जो तुम्हारी वो पत्तियां जो हैं वो नाउन हैं
और ग्रीन कलर की हैं, इस वजह से ये ग्रीन वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। थ्री पेंस, तो पेंस नाउन हो गया और थ्री वर्ड जो हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। और ये पेंस एस लगा, ये प्लूरल फॉर्म हो गया ना। J.K. रोलिंग इज अ फेमस ऑथर, ऑथर जो है वो नाउन है और फेमस वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। रेड राइडिंग हुड वॉज अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, प्रिटी वर्ड जो हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पर अ फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, एनिमल जो हो गया वो तो तुम्हारा हो गया नाउन और कनिंग वर्ड जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। अ न्यू एयरपोर्ट इज नियर माई हाउस, देखो यहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो नाउन है, चूंकि वो नया है तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके आगे की एक्सरसाइज और आगे का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा करेंगे। तब तक के लिए बाय।